तो दोस्तों आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने से पहले हम आपको अपना एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों मैसेज ये है, हमारे रूप सर ने काफ़ी टाइम से एक वेबसाइट चलाई हुई है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर दोस्तों आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्लाउज़ के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें। तो दोस्तों ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर इंच चौड़ी 3 पट्टियाँ बनाई हुई हैं मैचिंग कपड़े में, और ये हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग करके 15 इंच तक पेपर फ्यूजिंग को चिपका लिया है। साथ ही दोस्तों हमने नॉर्मल तरीके से एक पान सेफ नेक भी काट लिया है। दोस्तों ये नेक आप काफ़ी आसानी से काट सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस नेक को नॉर्मल तरीके से कुर्ती में बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने नेक को नॉर्मल तरीके से बना लिया है और प्रेस लगाकर इस पर फिनिशिंग कर दी है। दोस्तों पेपर फ्यूजिंग भी हमने इस कारण चिपकाई थी ताकि आप जब अपने नेक में यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग करेंगे उसमें झोल ना आए। तो हमने जो डिज़ाइनिंग करने के लिए ये पट्टियाँ बनाई हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सीधे कपड़े में बनाई हैं। अब सीधे कपड़े को हम यहाँ पर आपको मोड़ना बताएंगे, किस प्रकार से आप बहुत ही फिनिशिंग से लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी जो पट्टी रखेंगे वो नेक की बिल्कुल किनारी पर रखेंगे इस तरह, और रखते हुए पूरे नेक के शेप के अकॉर्डिंग इसको लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारे नेक का बिल्कुल बीच सेंटर आ गया है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपनी इस पट्टी को इस तरीके से दोबारा फोल्ड करके अपने नेक के ऊपर इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद आपको देखना है जो ये नोक बन रही है नीचे वाली, ये नीचे वाली नोक आपके कुर्ती के बिल्कुल बीच सेंटर में ही बननी चाहिए। अब आपको यहाँ से ऊपर से बिल्कुल सेंटर से मार्जिन लेते हुए नोक तक सीधी सिलाई लगानी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी नोक तक इस प्रकार से सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद दोस्तों जब हम अपनी इस पट्टी को इस तरह से खोलेंगे, खोलने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपका डिज़ाइन बनकर होगा तैयार। तो देखिए दोस्तों एक सिलाई लगाकर हमने अपनी पट्टी को इस तरह से अटैच कर दिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फिनिशिंग के साथ इस पट्टी पे इस तरीके से प्रेस लगानी है ताकि ये आसानी से बैठ जाए। तो देखिए दोस्तों प्रेस लगाने का फ़ायदा ये होता है, आपकी जो पट्टी है जहाँ बैठनी चाहिए बिल्कुल वहीं पर फिक्स बैठ जाती है। अब आपको क्या करना है, दूसरी साइड पर किनारी की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अपनी ये वाली पट्टी को लगा लिया है, और अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको लेनी है अपनी दूसरी वाली पट्टी। दूसरी वाली पट्टी को कैसे लगाएंगे दोस्तों, ऐसे लगाना है क्वार्टर इंच का बीच में गैपिंग छोड़ते हुए, ये देखिए, और पूरी सेम इसी तरीके से पान सेफ की नेक सेप में हम पट्टी को लगा लेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने अपनी ये वाली पट्टी पे एक साइड पर सिलाई लगा ली है, इसके बाद हम इस पे प्रेस लगा लेंगे, प्रेस लगाकर दूसरी साइड पर सिलाई लगा लेंगे, और इसी तरीके से क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम अपनी तीसरी वाली पट्टी को भी लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने बड़ी ही फिनिशिंग के साथ अपनी तीनों पट्टियाँ लगा ली हैं, और अब इसके बाद दोस्तों इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए, जो ये आप बीच में गैलरी देख रहे हैं इस गैलरी में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए दोस्तों हमने अपनी सुई में डबल धागा डाला है और 4 परता कर लिया है, नीचे गांठ बांध दी है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे से ऊपर की तरफ एक सुई को इस तरीके से निकालेंगे अपनी पट्टी के बिल्कुल बराबर से, ये देखिए, और निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पट्टी है इस पट्टी में अपनी सुई को इस तरीके से फंसाएंगे,
और यहाँ पर अपना टाँका इस तरीके से निकाल लेंगे। टाँका निकालने के बाद दोस्तों अपनी सुई को इस टाँके के नीचे डालना है और फिर से इस तरीके से खींचना है। ये देखिएगा, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से अपना ये फंदा बना दिया है और अब हम यहाँ पर टाँका मारेंगे। देखिए पट्टी को सुई में फंसाते हुए, और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से फिर से सुई को डालेंगे और डालने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनकर आया है। अब हम फिर से अपनी इस सुई को इस धागे के नीचे से ऐसे डालेंगे और डालने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा फिर से इस तरीके से ये जाल बनकर तैयार हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर अपनी सुई को ऐसे डालेंगे, तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर हमारा यहाँ पर इस तरीके से जाल बनता हुआ आ रहा है। तो जैसे हमने ये वाला जाल इतना बनाया है, इसी तरीके से हम अपने पूरे नेक में दोनों गैलरी में जाल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों ही गैलरी में हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपना कुछ इस प्रकार का जाल बना लिया है और नीचे की तरफ देखिए हमने एक टसल्स भी लगा दिया है, जिसकी वजह से हमारे पूरे नेक की जो शोभा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com।